आने तो दीवार ही क्लास कर रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंस्पायर्ड क्लाउड क्लासेस। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग फ्लो चार्ट है कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल्स को और इस चैनल्स को शेयर करिए ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट वीडियो जो हमारी हैं वो आपको मिल सकें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली फ्लो चार्ट से रिगार्डिंग। जैसे आपने कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाते हैं तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट का मतलब हमें समझाना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से लिख सकते हैं, एल्गोरिथम जो भी हमारी हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखो, फ्लो चार्ट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। दिस टूल इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम डिज़ाइन। मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन बनाते हो आप, उसको डिज़ाइन में चाहिए हमें ये। डिफरेंट ह्यूमन सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शंस इन द फ्लो चार्ट। यानी जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स आएंगे, उन सिम्बल की हेल्प से हम फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द ग्राफिकल सिम्बल, ऑल द सिम्बल आर लिंक टूगेदर टू शो द फ्लो इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब जितने भी आपके पास फ्लो चार्ट्स है उसमें सिम्बल जो होते हैं, और हर जो सिम्बल हो बेसिकली आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो फ्लो चार्ट है वो कैसे कैसे बनाना, और जितने भी हमारे पास सिम्बल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। इच सिम्बल रिप्रेजेंट सम एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू स्टार्ट एंड एंड, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट का एक सिम्बल होगा, ऐसे ही एंड करेंगे तो एंड का सिम्बल आता है। ट्रांसमिशंस, डिसीजन, इनपुट, आउटपुट, इसके लिए हमारे पास अलग अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ होंगे। जैसे कि लाइक नीचे एक देखो सिंबल्स हैं ये कुछ, जैसे अगर आपको स्टार्ट करना तो एक इस तरह का एक बटन मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए है कि अगर आपका प्रोग्रामिंग जहाँ से भी स्टार्ट करना तो ये सिंबल बनेगा। देन आफ्टर प्रोसेस, ये सिंबल अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है, वैल्यू असाइन करनी है तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोसेस के लिए आ गया। दैट इज़ ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं कि जो भी इनपुट करना या आउटपुट करना तो इस तरह के पॉइंट आएंगे। देन अगर इस तरह का सिंबल आता तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए आता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पे ये बताता है कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर आपको यूज़ करने हैं तो फंक्शन के लिए क्या यूज़ होंगे, दिस टाइप के ऑपरेटर सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये फ्लो चार्ट लाइन्स होती हैं जो आगे के इंडिकेट करते हैं कि लाइनें आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ये लाइन सिंबल आ जाएंगे। एंड देन दीज आर द कनेक्टर हैं जो बेसिकली आपस में एक दूसरे जितने भी सिंबल्स उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं ये बेसिकली किसके लिए काम करते हैं, फ्लो चार्ट्स के लिए बनाए जाते हैं कि आप फ्लो चार्ट को एक बना सकते हैं। जैसे कि लाइक देखिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर जिसका हम फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे टू फाइंड आउट, जैसे आप कोई भी एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट्स है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले टू फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज़ ओड और इवन, कि कोई भी एक नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर ओड है या इवन नंबर है। अच्छा, जैसे आपने ओड और इवन नंबर पढ़ा होगा तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो दो से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर है, और जो दो से डिवाइड नहीं हो जाते वो ओड नंबर हैं। तो अब आप कोई भी एक नंबर को प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले एक नंबर को इनपुट करोगे, तो इनपुट करते वक्त एक वैल्यू आपने असाइन की, जैसे कि लाइक ए की वैल्यू, एक वेरिएबल डाल दिया ए और उसकी वैल्यू आपने डाल दी 12। अब हमें 12 को चेक करना कि ये बेसिकली हमारा इवन नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड द नंबर रिमाइंडर की रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि अगर उसका रिमाइंडर, अगर हम किसी भी वैल्यू को दो से भाग करते हैं और रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। तो यहाँ देखिए ये जो फ्लो चार्ट है, यहाँ पे हमने वैल्यू को इनपुट किया, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइड बाय टू। अगर टू से भाग किया तो हमने उसके पास जो रिमाइंडर हमारे पास आया दैट इज़ जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, और अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। यानी अगर दो से डिवाइड हो जाता तो यस में क्या डाल दिया, इवन नंबर, अगर भाग नहीं होता तो कौन सा नंबर हो गया, एंड। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने किस में यूज़ किया है, फ्लो चार्ट के थ्रू यूज़ किया है। ठीक है,
तो अब जैसे लाइक ये कुछ पॉइंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ड्रा ए फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग द वेरिएबल्स। स्वैपिंग क्या होती है, जिसमें एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में आपको चेंज करना होता है। जैसे मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक ए और एक बी, ए के अंदर मान लो 20 है और बी के अंदर मान लो 30 है। अब ए की वैल्यू बी में स्टोर करनी, बी की वैल्यू को ए में स्टोर करना है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होंगी। इट मीन्स हमें एक तीसरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल इसमें असाइन कर दिया टी, तो पहले ए की वैल्यू को हमने किस में डाल दिया, टी के अंदर डाल दिया, तो एक खाली हो गया। नाउ एक बी की वैल्यू को अब किस में स्टोर कर दिया, ए में, तो बी की वैल्यू कहाँ आ गई, ए में आ गई, और बी इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू किस में स्टोर कर दी हमने, ए में स्टोर कर दी। तो वैल्यू आपस में क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई, मतलब ए में बी की वैल्यू आ गई और जो ए की वैल्यू किस में स्टोर हो गई, बी में स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हम ये चार्ट बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे और कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ये आप खुद ट्राई करके देखना। इसमें जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे ड्रा ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द स्टेट ऑफ नंबर एंड वेयर एन ग्रेटर देन वन, मतलब जब तक ए ग्रेटर देन वन है तो जब तक आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है बेसिकली, जब तक की वैल्यू किससे ज़्यादा है, एन से बड़ी है। तो इस तरह के जो फ्लो चार्ट है फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में आप ये चीज़ें फ्लो चार्ट के अंदर बना सकते हैं। तो ऊपर सेशन में हमने फ्लो चार्ट यूज़ करना सीखा कि फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से फ्लो चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट आप एक बार इसके प्रोग्राम को देखना और खुद ट्राई करना इसमें कि फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब हम इसमें आगे यूज़ करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे पास है कि क्वेश्चन आंसर कैसे सोल्व करेंगे। देखें एक मिनट वेट करें, ये देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन है देखिए इसमें, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। चेकर प्रोग्रेस में जाके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, मतलब इसमें से तरीका कौन सा जो टेस्टिंग के लिए काम करता है, कौन सी टेस्टिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए। तो ऑप्शन है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टिंग टेस्ट, एक्सेप्टनेस टेस्टिंग और ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबो, मतलब ये सारी तरह की जो टेस्टिंग है वो इसमें काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामर्स एंड इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या क्या चीज़ आएंगी इसमें, सोर्स कोड, फ्लो चार्ट एंड स्टूडियो कोड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल ऑफ द अबो। तो जितने भी ये ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन आएगा इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें हमें चाहिए एक प्रोग्राम में, एक डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट वन है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ आएंगी, यूज़र का कोड, यूज़र मैनुअल, एल्गोरिथम एंड आउटपुट रिपोर्ट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, यूज़र मैनुअल, मतलब यूज़र मैनुअल एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हमारा काम करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, तो इसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, मतलब फ्लो जो चार्ट है वो सब जगह बनाया जा सकता है, सीक्वेंस में भी, सिलेक्शन में भी और लूपिंग के अंदर भी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट वन है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम एसेंशियल इन नेचुरल लैंग्वेज एल्गोरिथम, मतलब इसमें आउटपुट क्या आ गया, एल्गोरिथम। इन द मॉड्यूलर अप्रोच आई एम डिवाइडेड ट्यूडो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर, मतलब इसे ब्रैकेट में आंसर दिए हुए हैं, प्रोग्राम डैश आई एम ए प्रोसेस ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एडिशनल प्रॉब्लम्स विद डैश द प्रोग्राम बाय द रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फील हो जाएंगे इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स में आंसर्स ऑलरेडी फिल हैं, द एल्गोरिथम स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन सीक्वेंस, ये आंसर करेक्ट है। फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड्स आर कॉमन वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम, आउटपुट क्या आ गया, अगेन ट्रू। ए सूडो कोड रिप्रेजेंट द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ट्रू। प्रोग्राम्स रिटन इन द मशीन कोड आर कॉल्ड द सोर्स कोड, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वन शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर में क्या लिखोगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, मतलब ये जो क्वेश्चंस है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, तो ये आपको पढ़ने, इसके अंदर ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस है इसमें।
तो स्टूडेंट ये सेशन आपके पास है, इस सेशन के थ्रू हमने ये यूज़ करना सीखा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और किस तरीके से फ्लो चार्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो इन सेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उनकी जो वीडियोज़ हैं अलग से बना करके आपके इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियोज़ को प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, और अगर आप एक नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आ तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।